मैं फिरोज इलियासी, प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतिम बजट की सबसे बड़ी घोषणा, यानी कि मध्यम वर्ग को जो सरकार ने छूट दी है, 5 लाख की आमदनी पर जो टैक्स है वो फ्री कर दिया है, यानी कि मध्यम वर्ग के लिए ये बड़ी घोषणा है। और सीधे सीधे तौर पर जो वोटर से मध्यम वर्ग के उसे लुभाने की सरकार ने कोशिश की है, और ये एक मैसेज दिया है कि अगर आने वाली चुनाव में हमारी सरकार जीतती है तो ऐसे ही वायदे जो हैं उसे पूरे किए जाएंगे, और बजट में जो अंतिम बजट में जो घोषणा की गई है उसे आगे जरूर कैरी किया जाएगा। दूसरी जो बड़ी बजट की बात रही, इसकी बात करते हैं तो किसानों के लिए आवाज़ उठी थी हर तरफ से कि सरकार की बड़ी घोषणा कर सकती थी। वैसा ही हुआ, सरकार ने किसानों के लेकर जो है एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सालाना 6,000 रुपये का जो डायरेक्ट कैश सहायता है उनके अकाउंट में किसानों को दिया जाएगा। ये कौन किसान होंगे? वैसे किसान होंगे जो 2 हेक्टेयर ज़मीन के मालिक होंगे, यानी कि 2 हेक्टेयर तक ज़मीन जिनके पास होगी उन्हें जो 6,000 सालाना सरकार की तरफ से सहायता दिया जाएगा। हालांकि ये सरकार पीयूष गोयल ने यह घोषणा करते हुए ये भी साफ किया कि इससे जो सरकार पर जो बोझ पड़ेगा, इसका मैं आपको फिगर बता दूँ, लगभग सालाना 7,500 करोड़ का सरकार पर इसका असर पड़ने जा रहा है, बोझ पड़ने जा रहा है। लेकिन फिर भी किसानों के लिए ये राहत की खबर है, जिस तरह से सरकार ने ये घोषणा की है अंतरिम बजट में, किसानों को सीधे तौर पे 6,000 रुपये की राशि जो है सालाना वो मदद दी जाएगी। तो दो बड़ी घोषणाओं का जिक्र हमने आपके सामने अभी किया। इन दो घोषणाओं का राजधानी पटना वासियों पर क्या असर पड़ रहा है, वो कितने खुश हैं इस बजट को लेकर, आइए सबसे पहले उनकी राय जानते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ बात करेंगे कि बजट में क्या कुछ खास रहा। जो नई बजट आई है इसमें दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो जो एग्जेम्पशन आईटी का आईटी टैक्स का है उसको 5 लाख कर दिया गया है, वो काफ़ी अच्छा है, फायदेमंद है। सेकेंडली जो किसानों को जो सहूलियत दी गई है वो भी बहुत ही लाजवाब थी। पीयूष गोयल जी का मैं देख रहा था लाइव, उनका कहना था कि जितना किसानों का खर्च होता है उसका जो मूल्य है अनाज का मूल्य 5 गुना ज़्यादा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, किसान लोग इन्वेस्ट करते हैं और उनको उस पर उसमें मूल्य मिलता नहीं है, अगर ऐसा मिलेगा किसान लोग खुशहाल रहेंगे। अच्छा, जो सरकार में है जो घोषणा करेगा अगर लागू करता है तो अच्छा रहेगा। इस बजट में सबसे बड़ी फायदा मिडिल क्लास के लोगों को हुआ है, जो पहले 2 लाख तक था तो वो 5 लाख तक हो गया इनकम टैक्स में छूट, और आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरह का बजट हमेशा आता रहे और सबको फायदा होता रहे, किसानों को, आम जनता को, जो विद्यार्थी हैं उनको भी फायदा होता रहे। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा काम किया है इस महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो भी महिलाएं अभी आराम से बाहर घूम सकती है, कहीं भी आ जा सकती हैं, उनको ज़रा सा भी हेजिटेशन या डर नहीं लगता है कि कहीं आने जाने में या कोई प्रॉब्लम है हमको, क्या क्या किसी तरह का क्राइम हो, इस तरह से शुक्रिया अदा करना है कि भारत की महिलाओं को स्वच्छ रूप से भारत घूमने का मौका मिलता है, शहरों में कहीं भी अकेले भी जा सकती है, कोई भी दिक्कत या किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। उद्योग में भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनका, और ये जो बजट पेश हुआ है इससे हम लोग जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज इशू किया बजट का कि जो 2.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए चले गए हैं और जिसका सालाना 5 लाख रुपए होगा उसका आपका उसका टैक्स उसका फ्री हो जाएगा, इसमें पॉलिसी पॉलिटिक्स जितनी है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि गवर्नमेंट जो 2014 से लेकर 2017 तक में नहीं कर पाई, 2018 तक में नहीं कर पाया, अब 2019 में करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि जो आम जनता पिछले 4 साल परेशान रहे हैं, 4.5 साल परेशान रहे हैं, वो अब उनकी परेशानी उनको उस वक्त तक दिखाई नहीं दी, आखिर में ये इलेक्शन 2019 में क्यों दिखाई दी। तो इसमें बात सोचने की है कि अपनी पॉलिसी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट इसमें योजना कर रही है, और अगर ऐसा हुआ, अगर सचमुच ऐसा है तो सही में आम जनता को ये चीज़ फ़ायदा करेगी। उम्मीद करते हैं कि आम जनता को ये फ़ायदा के लिए हक हो और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बजट पास हो। तो हमने आपको पटना वासियों की प्रतिक्रिया सुनाई कि उनका बजट पे क्या कुछ कहना है, वो क्या सोचते हैं,
ये तो उनकी प्रतिक्रिया थी, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं बजट की और बातों पर ध्यान देते हैं। तो इसमें जो अगला जो बड़ी घोषणा की अगर बात करें सरकार की, तो वो ये है कि कामगार जो हैं देश के कामगार, यानी कि मध्यम वर्ग से भी नीचे जो लोग आते हैं, उनके लिए एक बड़ी घोषणा सरकार ने की है। यानी कि 15,000 जो कमाते हैं महीना, उनके लिए काफ़ी राहत देने की बात कही है पीयूष गोयल ने। और ये घोषणा की है कि जो भी लोग कामगार तबके के जो लोग आते हैं, जिनका मंथली इनकम 15,000 रुपये है, उन्हें पेंशन योजना दी गई है। और ये पेंशन योजना क्या है कि रिटायरमेंट के बाद, यानी 60 साल के बाद जब वो रिटायर कर जाएंगे, तो उन्हें 3,000 रुपये का जो पेंशन हर महीने दिया जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, उन्हें बस 50 रुपये जो महीने की राशि है वो भुगतान करना होगा, ताकि वो पेंशन योजना के अंदर आ सके और उन्हें पेंशन दिया जा सके। तो ये मध्यम वर्ग के बाद जो कामगार लोग हैं, जो 15,000 मासिक वेतन कमाते हैं, उनके लिए पीयूष गोयल ने, मोदी सरकार ने ये घोषणा की है, ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। तो ये कामगार की बात होगी। और दूसरी बात करें, अगर इस स्लॉट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कि 15,000 मासिक कमाने वाले की बात हो गई, अगर इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्मचारियों की, जिनकी मासिक वेतन जो है करीब 21,000 रुपये है, उनके लिए भी सरकार ने एक घोषणा की है। ये घोषणा अंतरिम बजट में क्या रही, अगर 21,000 रुपये जो आपकी जिन कर्मचारियों की कमाई है, उन्हें जो बोनस दिया जाता है सरकार की तरफ से, उस बोनस में इजाफा किया गया है। यानी कि पहले सरकार की तरफ से 3,500 रुपये बोनस दिया जाता था, इस बोनस के बाद लगभग 7,000 रुपये बोनस, यानी दोगुनी कर दी गई है सरकार की तरफ से। और सरकार ने ये घोषणा किया है कि 7,000 रुपये बोनस की राशि अब जो 21,000 मासिक वेतन के अंदर जो कर्मचारी आएंगे, उन्हें दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं जो सरकार के, उन्हें भी लुभाने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, और उन्हें एक तोहफा दिया गया है बोनस के रूप में। तो कुल मिला के सभी तबकों को लुभाने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से इस अंतरिम बजट में। सभी तबकों को, किसान हो चाहे मध्यम वर्ग हो या फिर कामगार तबके हो। और यहाँ पे एक ख़ास बात है, अगर सभी की बात हम कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए भी इस बजट में जो घोषणा की गई है अंतरिम बजट में, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, जो हमेशा से विपक्ष भी सवाल उठाते रहे हैं सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ सरकार कर रही है, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विभिन्न योजनाएं भी चलती है सरकार की तरफ से, उसका एक बजट होता है। जो पिछला बजट जो था, इस बार इस बजट में लगभग 174 करोड़ की का इजाफा किया गया है। और इस बजट में जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1380 करोड़ का की घोषणा की गई है। और साफ किया कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जो इस बजट में महिलाओं की का भी ध्यान दिया गया है, उनकी सुरक्षा को लेकर लगभग 174 करोड़ का इजाफा किया गया बजट में। जो ये बजट की जो राशि है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो अलग अलग योजनाएं चलती हैं, जो निर्भया योजना जो आपको याद होगा, जो निर्भया कांड होने के बाद सरकार काफ़ी महिलाओं की सुरक्षा के बाद चिंतित हुई और अपने अपने ढंग से सुरक्षा के कई योजनाएं चलाएं, जिसमें निर्भया जो योजना है सबसे बड़ी है। तो इसमें बजट का इजाफा किया गया है और महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए इस अंतरिम बजट में ये प्रावधान बजट की राशि जो है बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो कहीं ना कहीं इस बजट में चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए सभी तबकों को लुभाने की कोशिश की गई है, ताकि हर तबका सरकार के की योजनाओं से खुश हो सके। और जो केंद्र की सरकार, मोदी सरकार है, जो आने वाले चुनाव में है, उन्हें उनके तरफ आकर्षित हो, ये कोशिश जरूर की गई है। लेकिन हमने आपको आम जनता की राय भी सुनाई कि उनका क्या कुछ कहना है, लेकिन इन सब का जो अंतरिम बजट का जो आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये वोट में कैसे तब्दील होगी, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो आम जनता के लिए ये एक बम्पर बजट है, जो कि चुनाव के मद्देनज़र इसे पेश किया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए, आगे भी हम आपको ऐसी कई सारी खबरों और जानकारियों से रूबरू कराएंगे।
आप बने रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।